नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात हम यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ महाशिवरात्रि जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि महाशिवरात्रि की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके विषय में अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन लोगों का मानना है कि भगवान शिव का लिंग रूप पहली बार अस्तित्व में आया था। यहाँ पर इस बात को मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि ये जो बात यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन मैंने आपको सुनाया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है आर्टिकल, उसी की लाइन है, उसी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर कई विवाद हैं, इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी मतलब टॉपिक है तो उसका पक्ष विपक्ष और उससे जुड़ी जितनी भी कहानियां हैं वो सभी आप जानें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि की शुरुआत कहाँ से होती है। यहाँ पर जब भगवान शिव का लिंग रूप पहली बार अस्तित्व में आया, तब से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। तो यहाँ पर कई कथाएं हैं, कई जो है कि बातें हैं, कई विवाद हैं, कई भ्रम हैं, और मैं सब आपके समक्ष प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर मैं जल्दी से स्पष्ट करने की कोशिश करूं तो जो लिंग वाली बात है, तो यहाँ पर कई बातें सामने आती हैं। जैसे कि यहाँ पर दो कहानियां और ज्यादा प्रमुख तौर पर बताई जाती हैं। एक कहानी है सबसे पहली और दूसरी, इन दोनों बातों को हम जल्दी से समझते हैं। पहली बात है कि एक बार एक कहानी है कि विष्णु जी वर्सेस ब्रह्मा जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी में एक भयानक युद्ध होता है, और यह युद्ध किस कारण होता है कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर युद्ध होता है। और इसके बाद जब यह युद्ध शांत नहीं होता तो इसे शांत कराने के लिए भगवान शिव एक स्तंभ के रूप में इन दोनों के, जैसे ये दोनों अपना युद्ध कर रहे हैं तो इसके बीच भगवान शिव एक स्तंभ रूप में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर भगवान जो विष्णु होते हैं और ब्रह्मा जी होते हैं, इनसे कहते हैं कि आप इसके इस स्तंभ के लास्ट पॉइंट को जो है कि खोज के लाइए। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु होते हैं वो वराह का रूप धारण करके इसके लास्ट पॉइंट को खोजने जाते हैं, लेकिन वे नहीं पाते। मतलब ये इतना ज़्यादा अनंत विशाल था कि इसका लास्ट पॉइंट विष्णु जी खोज नहीं पाते। और इसके बाद ब्रह्मा जी, यहाँ पर जो कहानी है मैं वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को पहले से ही आपके समक्ष बता दे रहा हूँ कि ये सभी कहानियाँ हैं, पौराणिक कहानियाँ हैं, दंत कथाएँ हैं, इसके विषय में जो हमें कहानियाँ बताई गई हैं वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए आप इसे गलत अर्थों में ना लें। तो दूसरी बात, जो ब्रह्मा जी होते हैं वो यहाँ पर बताया गया कि ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके इसके ऊपरे हिस्से को मतलब खोजने जाते हैं, लेकिन वो नहीं पाते, लेकिन झूठ बोलते हैं जिसके कारण ये स्तंभ फट जाता है और यहाँ से भगवान शिव का मतलब स्पष्ट दर्शन होता है, यहाँ से भगवान शिव उत्पन्न होते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी जो कथा है, पहली कथा ये हो गई और दूसरी कथा ये है कि एक बार अपने भक्तों मतलब ऋषि थे, इनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव शंकर महाकाल जी क्या करते हैं कि नग्न अवस्था में इनके जो आश्रम रहते हैं यहाँ पर विचरण करने लगते हैं, और इनकी स्त्रियाँ आकर्षित हो जाती हैं, और यहाँ स्त्रियाँ आकर्षित हो जाती हैं शंकर जी की तरफ, और जो ऋषि होते हैं वे भगवान शिव को श्राप देते हैं जिसके कारण उनका लिंग नीचे गिर जाता है और यहाँ पर बहुत प्रलय होती है। इस तरीके की दो कहानियाँ जो कि लिंग से जुड़ी हुई हैं, इनको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ और बहुत सी कहानियाँ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो इन दोनों बातों को मतलब जो पॉपुलर हैं वही मैंने आपके समक्ष बताया, और ये दोनों बातें मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी के तौर पर नहीं बताई। तो बात क्लियर, यहाँ तक का पूरा मामला मैंने आपको समझा दिया। और इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि से एक दंत कथा और जुड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा विख्यात है, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक मानी जाती है वह यही है कि भगवान शिव और शक्ति के विवाह से जुड़ी। इस दिन भगवान शिव ने अपनी पत्नी धर्मपत्नी माता पार्वती, जिन्हें शक्ति, सती, पार्वती कई नामों से जाना जाता है, इनकी भी कई कथाएँ हैं जिसे हम शिवपुराण में ज़्यादा अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि इनके विवाह की कथा जो कि सबसे ज़्यादा विख्यात है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और यहाँ पर बताया गया कि इस रात भगवान शिव ने अपनी दिव्य पत्नी शक्ति से दूसरा विवाह किया था। तो सती माता जो है कि
ये बहुत लंबी कथा है, कहाँ तक मैं सुना पाऊंगा। तो यहाँ पर सती जी मतलब आग रहती है, यज्ञ कुंड रहता है, वहां पर जल जाती हैं, मतलब सती हो जाती हैं, वही सती प्रथा जैसे वाली बात है। और उसके बाद जो है कि इनका दूसरा विवाह दिव्य रूप किसमें, सती माँ शक्ति के रूप में होता है, और यहाँ इनकी शादी होती है। और यहाँ पर दूसरी जो कथा है दोस्तों, वो ये बताई जा रही है कि जब देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया, आप ये कथा जान ही रहे होंगे ठीक, तो हिंदू धर्म की जितनी भी कथाएं हैं वो लगभग आप जान रहे होंगे, या फिर शुरुआती चैप्टर्स में हमें आपको पढ़ाया भी जाता है। तो देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन होता है और यहाँ से बहुत सी वस्तुएं निकलती हैं, और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जो निकलता है वो होता है विष, जिसे कौन ग्रहण करता है, इसका सेवन भगवान महाकाल जी करते हैं, शिव शंकर जी करते हैं। और इसके बाद यहाँ से इन्हें एक नाम और मिलता है नीलकंठ, ठीक। तो नीलकंठ जो नाम मिला वो विष को धारण करने के उपरांत ही मिला, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो अगली कहानी है वो यहाँ पर बताई जाती है कि इसी बात को लेकर के, जब भगवान शिव ने जो ये विष है इसको पी लिया, तो इसके बाद क्या हुआ कि इसको एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है कि भगवान शिव ने अंधकार और अज्ञानता को दूर करने के लिए ऐसा किया, इसलिए इस रात्रि को एक बहुत प्रमाणिक तौर पर, एक बहुत प्रतिबिंब के तौर पर, एक मतलब एक रास्ता है, एक वे है अंधकार को दूर करने के लिए, इसलिए हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। तो ये बात भी मैंने आपके समक्ष बता दिया। और इसके साथ साथ एक कहानी जो और जुड़ी है, शैव धर्म जो है यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर जब हम क्या करते हैं कि प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर धर्मों का अध्ययन करते हैं, कौन व्यक्ति किस धर्म का अनुयायी था इस बात का भी अध्ययन करते हैं। तो इन सभी बातों को हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्दी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि शैव धर्म में कहा गया है, इस रात को भगवान शिव ने सृजन संरक्षण और विनाश का सम्मोहक और स्वर्गीय नृत्य किया, जिसे क्या कहते हैं, तांडव कहते हैं, ठीक, रुद्र तांडव के नाम से जाना जाता है। इसी कारण जैसे इस रात को क्या किया था, नृत्य किया था तांडव वाला, जिसके उपरांत इस मतलब महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि और इससे जितने फैक्ट जुड़े हुए थे उन सभी को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और आशा करता हूँ यह जानकारी आपकी ज़्यादा रोचक लगी होगी। तो इन बातों को अगर आप अच्छे से अगर समझ पाए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और यहाँ पर भ्रम वाली बात ये नहीं कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, भ्रम का मतलब कई कहानियों से है, कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, ठीक, इसे आप गलत अर्थ में ना लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।